लोहरदगा में पंचायत चुनाव की मतगणना देर रात तक चलने के बाद समाप्त हो गई है। जिले में बन गई है गांव की सरकार, अब बहेंगी विकास की बयार। 5 प्रखंडों की चुनाव परिणाम को लेकर उत्साहित थे लोग। जिले के कैरो से सुखदेव उराव, भंडरा से राजमणि उराव, कुड़ू पूर्वी से गंगोत्री देवी, सेन्हा से राधा तिर्की, कुड़ू पश्चिमी से रीना कुमारी, लोहरदगा प्रखंड से विनोद उराव ने जिला परिषद सदस्य के रूप में विजय हासिल कर बाजी मार ली है। शांतिपूर्ण मतगणना के बाद जिले के डीसी और एसपी ने लोहरदगा वासियों का आभार प्रकट किया, कहा कि ये एक टीम वर्क है, इसलिए बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण मतगणना पूर्ण हो गई है। सभी का आभार प्रकट करते हैं कि मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि जितने भी प्रत्याशी, उनके एजेंट्स हैं और सब लोग जो हैं आम नागरिक, जहाँ यहाँ पर जो विधि व्यवस्था का ख्याल रख के इस कार्य में सम्मिलित हुए हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मतगणना जो है शांतिपूर्वक और बगैर किसी कदाचार के जो है संपन्न हो। सबसे बड़े हमारा पूरा टीम वर्क ही है, डीसी सर, हमारा टीम और मेनली हमारा कैंडिडेट्स, पब्लिक, इधर का स्टाफ, आप लोग भी, प्रेस फ्रेंड्स, आप सब लोग का टीम वर्क है। एक टीम वर्क की तरफ हम लोग काम किए, इसी का ये अचीवमेंट है कि हमारे प्रखंड के जितने भी एक एक जनता हमारे लिए इतने खरा उतर के काम किए और हम फील्ड में एक भी पैसा खर्च नहीं किए और हमारे लिए तत्पर हो के उन लोगों ने काम किया निस्वार्थ भाव से। मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जनता के लिए मैं भी जिस तरह उन लोगों ने हमारे लिए खड़े उतर को आज हमको इस मुकाम तक पहुँचाए हैं, हम भी चाहते हैं उन लोगों के लिए हमेशा हर पल उन लोगों के लिए खड़ा उतरे हम। मैदान में आ चुके हैं, क्या अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करेंगे? इसके लिए अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।